मारो झुके शुमी होल्डिंग क्रोकोडाइल है लाइव वन सिनेमन मैन श्रीलंका सिनेमन मैन वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल बेंटोडा बीच एंड वेलकम बैक टू अनदर वन ऑफ माय श्रीलंका ट्रैवल ब्लॉग सीरीज। आज के दिन का शुरुआत हुआ ऐसे खूबसूरत ब्यूटीफुल बीच के साथ। यार सुबह के 7:30 बज रहे हैं, हम लोग थोड़ा रिसोर्ट के अंदर से मतलब घूमते हुए जो पूल साइड एरिया है, फिर उसके बाद जो क्लब एरिया है, सब कुछ घूमते हुए हम लोग यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं बीच के पास। थोड़ा देर एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद तैयार होके निकलेंगे अपने दिन भर का जो प्रोग्राम है उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। बट फिलहाल इस बीच का खूबसूरती देखो यार, दूर दूर तक बस वाइट सैंड्स, ब्लू वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन एंड वी आर एग्जैक्टली इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पे पहाड़, छोटा छोटा पहाड़ भी है दूर पे, रॉक्स है बीच पे एंड सैंड इज सो सॉफ्ट हियर, बहुत ही सॉफ्ट है सैंड। यहाँ पे मुँह में देखो स्माइल है हमेशा, चेहरे पे एक अलग ही स्माइल है इसको पानी देख के। आ जाओ फैमिली टाइम। बसे जा। हेलो, दिस आर यू एंजॉयिंग? ये देखो पानी है। और जिस रिसोर्ट पे हम लोग रुके हैं ना, इस रिसोर्ट का सबसे ज़्यादा खास बात क्या लगा मेरे को पता है? इस रिसोर्ट का खास बात ये लगा कि एक साइड में है रिवर, जिस रिवर से क्रॉस करके हम लोग यहाँ रिसोर्ट तक पहुँचे, और दूसरे साइड में ऐसे ब्लू ओशन, और मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, दूर दूर तक लंबा ट्री लाइन है, और मतलब थोड़ा मैंग्रोव टाइप का भी पेड़ पौधा है अंदर में, मतलब एक ट्रॉपिकल वाला फीलिंग आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सोमी फोटोग्राफी कर रही है अपने फ़ोन पे। ये वो जंगल वाला एरिया जिसके जस्ट बाद बीच शुरू होता है, और यहाँ पे जो पेड़ पौधा है ना वो सब मतलब मैंग्रोव जैसे है, जो रूट से वो थोड़ा बाहर निकला हुआ बहुत ऊंचा, मतलब इतना सीनिक लोकेशन है ना, बस यहीं पे टाइम स्पेंड कर दोगे 3-4 दिन तो पता भी नहीं चलेगा कैसे समय बीत गया। तो बीच साइड एंजॉय करने के बाद अभी आ गए हैं फ्रेश वेश होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग का जो प्रोग्राम है वो है कि हम लोग जाएंगे यहाँ बेंटोटा के आसपास जो भी साइट सीइंग है, थोड़ा टर्टल पॉइंट है जहाँ पे टर्टल हैचरी बेसिकली, फिर उसके बाद एक माडू रिवर क्रूज है, बहुत कुछ है, तो वो सब घूमेंगे, थोड़ा सा बेंटोटा में शॉपिंग के लिए भी रुकेंगे एंड आज का दिन भर यही प्रोग्राम है हमारा। तो ऋषि के लिए यहाँ पे थोड़ा ओट्स और बनाना लेके आए थे, फिर देखा हमने कि वहाँ पे कुछ स्क्विरल से जो खाना चोरी करके वहाँ पे खा रहे, और फिर से दूसरा कटोरी में उसके लिए खाना लेके आना पड़ा। अभी मैंने लिया है यहाँ पे आपम, मुट्टापम, इन मलयाली में मुट्टापम बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते नहीं पता, थोड़ा सा फिश करी, चटनी, लूनो मिर्च और पोल सांभर। आज हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए ब्रेकफास्ट करते करते, 9 बजे निकलने का था, मतलब 9 बजे उस पोर्ट पे पहुँच जाना था, लेकिन आज ऑलरेडी 10 बज चुका है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेट है। इस होटल में मतलब अलग अलग किस्म के बोर्डिंग होते हैं, मतलब नॉर्मल रेगुलर बोर्डर्स है, फिर उसके बाद जिनका खाना पीना सब कुछ इंक्लूडेड है, तो हम लोग का मतलब इंक्लूडेड वाला है, तो ये टैग पहना दिया गया है। तो नेटफ्लिक्स में कुछ सीरीज़ वगैरह नहीं आते जिसमें वैसा दिखाता है कि किसी एक आइलैंड रिसोर्ट पर लेके चले गए, फिर वहाँ पर कांड होता है, तो वैसा ही टाइप का फीलिंग आया यहाँ पे पहले कि आके टैग पहना दिए, फिर उसके बाद ऐसे एकदम आइसोलेटेड जगह पर रिसोर्ट। एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे। तो वेट करते हैं फिलहाल बोट का, फिर उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। यल्ले बहुत मस्ती हो रहा है, यल्ले हमारे ना किचू एक छीड़ लो मन हलो, हम यही ना हमारे पैंटा छीड़ लो कि तो फाइनली क्रॉस करके आ गए हैं बोलो दूसरे साइड पे। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। तो पहुंच गए हम लोग माडू रिवर क्रूज के स्टार्टिंग पॉइंट पे, और एक मतलब एक रेस्टोरेंट के अंदर लेके आए, फिर वहाँ से शायद स्टार्ट होगा। और यहाँ रेस्टोरेंट में सब लाइव सी फूड है, लॉबस्टर, क्रैब, बहुत कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। मैंग्रोव केव रिवर सफारी, नो, अरे बाप रे, भयानक साइज है। इतना दिनों बाद किसी लोकल को या फिर हिंदी में अच्छे से बात करते हुए सुना।
यस। वेयर इज बेबी लाइफ जैकेट? वाला बड़ा दाया ना बेबी। तुम्ही ओटा माझे टने वे? तो अभी जो हम लोग पहुंच चुके हैं माडू गंगा रिवर। माडू बेसिकली माडू आइलैंड का नाम है और माडू मतलब बड़ा आइलैंड है और ये जो रिवर है इसको गंगा बोलती है लोग। तो माडू गंगा रिवर क्रूज हम लोग का स्टार्ट हो चुका है एंड इट इज़ $12 पर पर्सन। तो $48 वो हम चार लोगों का, फिर मतलब उसको श्रीलंकन में कन्वर्ट किया तो 16,000 के आसपास आता है। $2 वो लोग राउंड ऑफ कर देते हैं एंड हियर इट स्टार्ट्स। और माडू गंगा रिवर क्रूज बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह देखने को मिलेंगे। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग ट्रिप। ऐसे ही छोटा सा मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर से रास्ता बना दिया, बोलते मैंग्रोव केव है। बुद्धू बना बड़ा मजा है। मैंग्रोव केव हाँ, मुंडी बचा के एकदम नीचे, एकदम नीचे दोना उठावे ना, उठावे ना। तो अभी फिलहाल तो ये ऐसे ओपन बोट है लेकिन इसके बाद इसको कवर कर देंगे। एक ब्रिज और एक ये मैंग्रोव केव के चलते इसने कवर नहीं लगाया था। अभी थोड़ा देर बाद में फिर कवर लगा देंगे, पूरा छांव में एंजॉय करेंगे। ट्रेन 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 फोन जूम हुआ है। हाँ हाँ, शोले शोले मूवी में जैसा ट्रेन सब था ना, रेड रेड एकदम पुराने टाइम में इंडिया में जैसा था वैसा पूरा रेड कलर का ट्रेन दिखा। ये पूरा सब मैंग्रोव ट्रीज है। ओह माय गॉड, मारो झुके। वन मोर ब्रिज। না 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 ওই যে কেঁপে উঠলো না, ভাবলাম যে বোটটা উপর দিকে চলে যাবে। ইয়েস ইয়েস নাও। দু ইয়া তিন ব্রিজ ক্রস করতে কে বাদে আমি কভার লাগা দিয়ে আমি আচ্ছা লাগ রহা হ্যায় বট বহুত ভয়ানক ধূপ হো রহা হ্যায়। অক্টোবর কা মতলব এন্ড এন্ড হ্যায় ফির ভি বহুত জ্যাদা ধূপ হো রহা হ্যায়। और मतलब अभी मतलब सीज़न जो है यहाँ बेंटोटा और श्रीलंका के जितने भी सी बीच है उसका सीज़न जस्ट स्टार्ट हो रहा होता है। तो कोलंबो जब हम लोग पहुँच रहे थे तो समन बता रहा था कि यहाँ पे मॉनसून चल रहा है तो मौसम ख़राब मिल सकता है, समुंदर बहुत सारा बहुत ज़्यादा रफ हो सकता है। बट लकीली कि मौसम पूरा क्लियर है और अभी पूरा मतलब जिस रोड से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ पर एक साइड में पूरा रेलवे ट्रैक था जो कि पूरा कोस्टल साइड साइड से जाता है, दूसरे तरफ समुंदर का व्यूज एंजॉय करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो बहुत ही मस्त मौसम है, एकदम शांत समुंदर है जैसा कि सुबह को आपने बीच पे देखा। हम लोग खूब मस्ती किए और अभी भी मतलब ये अभी लो टाइड का टाइम है तो समुंदर में पानी ये निकल रहा है यहाँ से। इसको फिर से उतार दे रहा है। हाँ ओके ओके ओके, फिर से उतार दे रहा है इसको क्योंकि हम लोग फिर से अंदर जाएंगे जंगल के। इंटरेस्टिंग शुरुआत रहा अपने माडू रिवर क्रूज का क्योंकि एंटर करते साथ ही बहुत बड़ा सा बैक वाटर वाला एरिया है जहाँ पे प्रॉन्स वगैरह का फिशिंग चल रहा है, एकदम जो ट्रेडिशनल वे भी लोग प्रॉन्स पकड़ते हैं। फिर उसके बाद एक बर्ड भी देखा जो फिशिंग बर्ड जो बोलते हैं तो वो सब देख के मिला। तो देख के फिर अभी अंदर जा रहे हैं एक और मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर। शोमी 8K में वीडियो कर रही इतना दिन तक हमको मेरे को पता नहीं था, अब उसका फ़ोन को सब डिलीट करना पड़ रहा पुराना जितना भी लिया हुआ है। ये श्रीलंका का वीडियो मत डिलीट करना ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर अंदर से जाएंगे। आज के इस माडू ट्रिप का पहला स्टॉप हमारा बोट से उतरे हैं सिनेमन आइलैंड पे और यहाँ पे मतलब बहुत सारे सिनेमन के पेड़ हैं। मतलब पूरा आइलैंड पे ना एक दालचीनी का पूरा मस्त सेंट है। तो ये जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं ये सारे सिनेमन के पेड़ हैं। वी टेक फ्रॉम स्मॉल वंस। यस यस स्मॉल ट्रीज नाइस। ये एक ट्रेडिशनल हाउस, वेलकम विद सम सिनेमन टी। सिनेमन टी यहाँ पे डेमोंस्ट्रेट करके दिखा रहे किस तरह से ये लोग सिनेमन निकालते हैं। पहला लेयर पूरा निकाल देते हैं। ओके यू आर ड्राइंग 8 डेज हियर
सिनेमन बार्क। तो पहला लेयर निकाल देते हैं, उसके नीचे वाला लेयर जो होता है वो सिनेमन बार्क होता है, उसको 8 दिन सुखाते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये अभी निकाल रहे हैं इसमें से सिनेमन, जो पहला लेयर उसको निकाल दिए छिलका, फिर अभी एक एक लेयर करके निकाल रहे थे। ये निकाल देंगे अभी फटाक से। ये निकाल कैसे रख देते हैं, इतने गुस्से से क्यों रख रहे? हाँ, कुकिंग फायर। ओके, कुकिंग फायर, इसको फायरवुड। नो गैस, नो गैस, ओनली फायर। ओके, टूथपिक, ओके, टूथपिक, सिनेमन टूथपिक भी बनता है इससे। ये डंडा से सिनेमन पेर का डंडा, और बाकी सब निकल गए। इसको क्लीन कर रहे हैं, क्लीन करके फिर इसको 8 दिन ऐसे सुखाएंगे। ये जो पूरा आइलैंड है इसका ओनर है ये। ओके, सो ये उनका घर है, घर में पूजा करने का घर है, यहाँ पे सोने के लिए। हाँ, वो सिनेमन के लकड़ी सबको यूज करके वहाँ पे फायरवुड हो रहा है, यहाँ पे कोई गैस वगैरह। ओनर ऑफ द आइलैंड, रिच मैन, सिनेमन मैन, श्रीलंका सिनेमन मैन। ओके, बाय बाय सिनेमन अंकल, ओनर ऑफ द आइलैंड। इसको क्या हो गया, इसको पेप्सी पीना है। बहुत ही पीसफुल आइलैंड है वो, अंकल अकेले रहते हैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे, एंड मतलब सोचो कितना शांति होगा उनको। बाय बाय, बाय बाय, इज डूइंग अ रियली नाइस जॉब, लोगों को दिखाना ये वो। और सिनेमन सेल भी करते, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ले लिया यहाँ पे सिनेमन ऑयल और बार्क सिनेमन। ये छोटा सा शैक है पूरा पानी के बीच में, ये छोटा सा शैक है, वहाँ से लिए थे हम लोग किंग कोकोनट और मैंगोज 250 श्रीलंकन रुपीस किंग कोकोनट, और उसके साथ मैंगो था 1000 रुपीज़ का, बहुत बड़ा साइज का मैंगो एकदम कटा हुआ। यहाँ पे ऋषि को मैंगो खिलाएंगे यहाँ पे बैठ के, और ये जो फीलिंग है ना ये यहीं पे मिल सकता है। वैसे फिर कहीं पे जावर जाके हम लोग कोकोनट पीते तो मज़ा नहीं आता, लेकिन यहाँ पे वो फील है, वो वाइब आया कोकोनट पी के। है शुमी होल्डिंग क्रोकोडाइल है, लाइव वन। शुमी आंगुले कामरे ना दे, মাছের কাঁটার মতন ডেঞ্জারাস জিনিস তুই। নো নো নো, ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে, ওই যে ঘুরে গিয়ে না কামড়ায়। হ্যাঁ তুমি, yes there, no that beautiful house, yes yes, very nice location। Shumi, kaisa lag raha hai crocodile haath mein pakad ke? Ha, was it shaking? No, it's a different feeling। Main chua na usko, matlab main hamesha tv mein dekhta hu crocodile, wo dinosaur skin jaisa kuch to hoga, lekin it was really soft और रफ रफ टेक्सचर था ऊपर का, मतलब भयानक लग रहा था पकड़ के। दोनों ने छुआ, इसने नहीं छुआ। चलो, इट्स टाइम टू गेट लो, गेट लो, गेट 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 लो। हाँ, गेट लो मोबाइल, नॉट अ डोनर, नो। हाँ चलो, फाइनली वी आर बैक फ्रॉम माडू रिवर क्रूज। अच्छा लगा, इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। पहुंच चुके हम लोग टर्टल कैंप पे, यहाँ पे टर्टल के माउथ से एंटर करना पड़ेगा, गाड़ी यहाँ पे पार्किंग है और एक छोटा सा शॉपिंग एरिया भी है। तो चलो चलते हैं अंदर, जाकर देखते हैं कि क्या है। और अंदर जाने के लिए 2000 श्रीलंकन रुपीज़ पर हेड लगेगा, तो लगभग 8000 श्रीलंकन रुपीज़, जिससे हम लोग अंदर जाके मतलब टर्टल्स का कंजर्वेशन सेंटर है ये, मतलब एक हॉस्पिटल जैसा है जो एनजीओ टर्टल से, बहुत कुछ देखने को मिलेगा अंदर जाकर। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे।
हेलो, हम लोग जब एंटर किए तो टर्टल के माउथ से, ये टर्टल का बैग है तो ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, यहाँ पे लेइंग एग्स का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब टर्टल बैक साइड से इतना सारा ऐसे सीमेंट से बना हुआ है, ये सब डेट डाल के रखा हुआ है यहाँ पे लेइंग एरिया है, तो सब एग्स मतलब 1.5 फीट नीचे रखा हुआ है सारे टर्टल्स का। ग्रीन टर्टल 2 ईयर्स ऑफ ग्रीन टर्टल No, it's okay. They had big injuries from the shark attack. Shark attack. Now it is getting recovered. How many days it is here? Now this one is two months now. No, 2 months now. No. Okay, हाथ दे भी बोले ना कि तो फाइनली जो हम लोग बाहर आ चुके हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत किस्म के टर्टल्स देखने को मिले, और मतलब समुंदर में प्लास्टिक होने की वजह से कितने सारे टर्टल्स इंजर हो रहे ये भी पता चला, एंड सही में मतलब बहुत उनका कंडीशन देखे ना ख़राब लग रहा है, कि कुछ टर्टल्स जो है जो पानी के नीचे रहते हैं पानी के नीचे जा भी नहीं पा रहे, ऐसे तैर रहे हैं ऊपर क्योंकि उनके पेट में गैस फॉर्म हो रहा है प्लास्टिक की वजह से, तो बहुत कुछ देखने को मिला। लेदर बैक टर्टल दिखा नहीं, लेदर बैक टर्टल का एक डमी बना हुआ था, बट वहाँ पर एक हैचरी था जहाँ पर लेदर बैक टर्टल का एग्स, ग्रीन टर्टल, बहुत बहुत सारे किस्म के टर्टल्स के एग्स बरी किए हुए थे। सो ऑन द वे बैक टू द होटल, मतलब जहाँ पे हम लोग रुके हैं क्लब बेंटोटा, वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि कल रात को हम लोग जो ड्रिंक्स वगैरह लिए थे इट वॉज ऑन द हायर साइड, सो वी डिसाइडेड टू स्टॉप समवेयर एंड हैव लाइट लंच ऑन द वे टूवर्ड्स बेंटोटा। तो अमलगमा जगह का नाम मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, तो वहीं पर है अपना होटल, तो बीचों बीच एक जगह रुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे कुछ सी फूड वगैरह मे बी राइस एंड करी जो भी है वो खाएंगे, बट यहाँ इसका इस जगह का भी खासियत ये है कि ऐसे पूरे जंगल के बीच से होके जाता है ये बीच तक, और बीच पे भी रेस्टोरेंट है, एकदम ब्लू वाटर्स वाइट सैंड, बहुत ही खूबसूरत जगह यार। थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर लिया हमने, शॉपिंग दिखाओ, शॉपिंग शॉपिंग। तो फाइनली वी आर बैक टू पवेलियन, और रास्ते में हमने एक बुद्धा स्टैचू देखने की कोशिश किया जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा बुद्धा स्टैचू है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे पेंटिंग का काम वगैरह चल रहा था। हाँ ना ना चार्जिंग केबल, चार्जिंग केबल, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे रीपेंटिंग का काम चल रहा था, हम लोग वो स्टैचू मतलब बाहर बाहर से ऐसे घूम लिए, रास्ते में हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग भी किया, मतलब ऐसे थोड़ा स्नैक्स वगैरह ऋषि के लिए अपने लिए, और अभी फिर से वही बोट जट्टी पर आ गए हैं यहाँ से, अभी फिर से वहाँ बोट जट्टी पर आ गए, यहाँ से अभी वापस जाना है क्लब बेंटोटा उस तरफ वहाँ पे। तो भाई क्लब बेंटोटा पहुंचने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या किए, रूम पर आके फटाफट चेंज करके पहुंच गए थे बीच पर, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा मतलब मेरे को स्पेशली सबके साथ फैमिली टाइम स्पेंड करना था, मतलब दिन भर तो व्लॉगिंग 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 ये सब चलते रहते, लेकिन बीच पर बहुत खूबसूरत फैमिली टाइम स्पेंड किए ऋषि के साथ, पूरा समुंदर पर बहुत देर तक हम लोग मस्ती किए, सनसेट देखे बढ़िया वाला, मम्मी और सिस्टर पूरा वॉक करते करते बीच के एंड तक गई, तो बहुत ही शानदार शाम बीता हमारा बेंटोटा बीच पे, और फिर उसके बाद हम लोग वापस आके फिर फ्रेश वेश होकर हम लोग डिनर करने के लिए गए, और अभी डिनर करके वापस आ चुके हैं रूम पे, तो
ये जो आज के दिन भर का जर्नी था, छोटा सा जर्नी था, ज़्यादा कुछ हम लोग ट्रैवल नहीं किए, बस लेजर डे था हमारे लिए। तो आई होप यू गाइस एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगले व्लॉग में मिलेंगे एक और नया जर्नी को लेके, जहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स कोलंबो और कोलंबो का सिटी टूर वगैरह करेंगे। तो थोड़ा अ हिंट ऑफ श्रीलंका हम लोग जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं इन ब्लॉग्स के थ्रू। विद दैट सेड, थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ द डे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग नेचर मोटो।